मेरी ऑडियंस जो ये पॉडकास्ट देख रही है उन्हें पता है कि यू नो आई सफर्ड फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर लाइक टिल जब मैं 6-6 साल का था मेरे को ब्रेन ट्यूमर हुआ था एंड 14 साल तक आई वाज ऑन टोटल मेडिकेशन। जो लोग आप पे ही मैं उस बंदी का स्टैंड ले रहा हूँ और जो बंदे उस पर वीडियो बना रहे हैं वो उसी को जाकर के भाई तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा ये वो है। आप सोचो कि मेरा मेंटल ब्रेकडाउन क्या हो रहा है। मैंने कहा यार इसके लिए तो स्टैंड ले रहा हूँ मैं। हाँ तो जी स्वागत है हमारी जनता का नए एपिसोड में। और इस एपिसोड में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल बहुत ही फैंटास्टिक आदमी हमारे साथ मौजूद है, अनुराग भाई UK07 राइडर। तो भाई स्वागत है आपका। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया, आप लोग बताएं क्या हाल है? एकदम बढ़िया भाई। आपने जब एंट्री ली हम तो सोच रहे थे कि आप बाइक पे लोगे, हमें आवाज सुनाई देगी गूं 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 गूं। अभी बाइक हमने देखा थार में थे आप। तो भाई बाइक पे आ रहे होते तो पुलिस वाले साथ आ रहे होते हैं, दिल्ली पुलिस। इसकी थार भी कूल है, इसने बढ़िया करा रखी है। हाँ यार सही। मेरे को डर था कि नो लाइट्स की वजह से दिक्कत ना हो करके, बट लाइक नो बिग डील राइट, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मतलब जब किस्मत खराब हो तो हर चीज एक बिग डील बन जाती है ब्रो। आपसे बेहतर कौन जानता है। आप पूरा इंडिया घूमे हो और बाइक्स पे घूमे हो, तो भाई उस एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। व्हाट इज बाइकिंग फॉर यू, व्हाट इज व्लॉगिंग फॉर यू, मतलब क्या है? व्हेन आई स्टार्टेड राइट, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो 2018 में मैंने स्टार्ट करा था। एंड उस टाइम ना मोटर व्लॉगिंग इज अ सेपरेट जॉनर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कि लोगों को लगता है व्लॉगिंग व्लॉगिंग व्लॉगिंग, बट देयर इज अ सेपरेट जॉनर दैट इज मोटर व्लॉगिंग। तो जब मैंने स्टार्ट करा था तो मोटर व्लॉगिंग में क्या होता है, आपको अपने हेलमेट के आगे ना कैमरा लगा के चलना होता है। तो मैं अपनी कॉलोनी रात को बैठा, मैं MCL, आपको एक पता होगा MCL को मिक्स करके लगाते हैं तो वो उसी से रुकती है, क्योंकि आप स्पीड में चलते तो वो कैमरा गिरने का डर रहता है। तो मैं जब रात को अपने घर में बैठा, मैं कहा भाई आज तो भाई मोटो व्लॉगर बनना है करके। तो जब आप सुबह आप उस जगह से ऐसी जगह से बाहर निकलते हो जहाँ लोगों ने कभी कैमरेज नहीं देखे और आप हेलमेट पे GoPro लगा के निकलते हो ना, तो लोगों को ना बहुत ऑफ फील होता है। लोगों को लगता है यार ये मतलब क्या कर रहा है ये भयंकर, इसका कुछ फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था यार ऐसी जगह से मोटो व्लॉगिंग शुरू कर पाना। उत्तराखंड में आई वैसी वन जो मोटो व्लॉगिंग को लाइक यू नो सीन में लेके आया। UK07 से एक हमारा स्लैंग है, तो UK07 से में मोटो व्लॉगिंग लोगों के लिए बहुत नया था। बट आई रिमेंबर 2018 में मैंने शुरू करा था। द फर्स्ट स्टेप वाज ऑफ लद्दाख। भाई एक सब बाइकर का ड्रीम होता है कि भाई लद्दाख तो जाना ही है, चाहे बाइक स्कूटी में भी जाओ बाइक में भी जाओ। लद्दाख तो मेन स्ट्रीम हो गया काफी, कि कोई भी सोचता है ट्रिप पे जाना भाई लद्दाख। ड्रीम पैलेस लद्दाख और गोवा राइट, पार्टी करनी है तो गोवा और अगर घूमने जाना है तो लद्दाख। तो ये दो बहुत मेन स्ट्रीम थी। तो लद्दाख वॉज दी प्लेस जहाँ से मेरा फर्स्ट मेरे को ऑडियंस मिला था। मेरी वीडियो वायरल हुई थी उस टाइम, तो व्यूज आते थे कुछ 1-2 हज़ार। उसमें लगता था भाई बाबू भैया फेमस हो चुके हैं। तो मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी भाई, इट गॉट लाइक 8 मिलियन व्यूज। तो वो वाली है ना जो इंडिया पाकिस्तान LOC वाला। हाँ। बहुत रैंडम व्लॉग था भाई। हाँ, वो बहुत रैंडम भाई, हम भी देख रहे हैं, हमने कहा ये बहुत स्मार्ट है यार। उसमें इमोशंस भी जुड़े हुए हैं ना, तू चले जा रहा है और वो एक व्लॉग कंप्लीट हो गया। हमने कहा यार ये क्या चीज है जो हम नहीं कर पाए। ऑडियंस को मुझे से लगता है कि लोगों को ना फर्क नहीं पड़ता कि कंटेंट क्या है, लोगों को फर्क पड़ता है कि इमोशन क्या है उस कंटेंट में राइट। क्योंकि सब लोग यही कर रहे हैं राइट, सब लोग घूमने जा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप लोग भी लद्दाख जाएंगे, मैं भी लद्दाख जा रहा हूँ। लाइक फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव मुझे से लगता है ऑडियंस को एक इमोशन बिल्ड देना चाहिए कि आप क्या फील कर रहे हो। प्लेस इज सेम फॉर एवरीवन राइट। तो वो वीडियो के बाद करियर चेंज हो गया था। मतलब मुझे लगता है भाई यूट्यूब से भी पैसा आ सकता है स्ट्रीम में। तो आई रिमेंबर उस टाइम, और वो वीडियो ना इंडिया में वायरल नहीं हुआ था, वो वीडियो वायरल हुआ था पाकिस्तान और USA के कुछ नेशंस थे। तो यूट्यूबर्स को पता होगा कि भाई वहाँ का CPM ना बहुत हाई रहता है। हाँ। इंडिया का एड रेट्स कुछ नहीं है, एवरीवन नोज, बट वहाँ का जो CPM था उस वीडियो ने, मतलब जितना मैं महीने में कमा रहा था ना उस टाइम, उस वीडियो का सिंगल डे का रेवेन्यू था। तो मैं भाई ये क्या हो रहा है भाई जिंदगी के। तू बता सकता है उस टाइम तूने कितना बनाया? यार आज उस वीडियो का रेवेन्यू बताऊंगा। तो आज उस वीडियो का रेवेन्यू है $27,000 सिंगल वीडियो। वो इतने महीने के नहीं बनते, पूरा तेरी हो गया भाई ये तो। भाई अभी तक का टोटल रेवेन्यू $27,000 रनिंग है राइट। तो वो मतलब USA में बहुत सबसे, मतलब वो ऐसे क्लिक्स चल रहे थे, कुछ घंटे में 5-5 लाख व्यूज आ रहे थे। इंडिया में अगर इतने 8 मिलियन व्यूज आएंगे, मुझे लगता है $10,000 भी ज्यादा बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बट ये कि इसके अराउंड वो काम करता है। बट उस टाइम मेरे को लगा भाई हाँ है भाई पैसा है भाई यूट्यूब में। तो भाई बाइकिंग से प्यार था इसलिए मोटो व्लॉगिंग करी, या व्लॉगिंग और यूट्यूब करना था इसलिए बाइक को एक सोर्स बनाया? मतलब ज्यादा प्यार कौन है यार? मतलब मेरे को ना बाइक से बहुत ज्यादा प्यार था। एंड जब मैंने व्लॉग शुरू करे थे तो मेरे को ना बस अपनी जिंदगी दिखानी लोगों को। मेरे को पता भी नहीं था कि ये मोटो मतलब यू नो ये सिर्फ व्लॉगिंग टाइप्स बोलते हैं, ऐसे मोटो व्लॉगिंग टाइप्स बोलते हैं। बट धीरे धीरे वेन यू केम इनटू द सीन तो मेरे को ऐसा था कि मैं 10th क्लास में था, मैंने कहा पापा को, मैंने कहा भाई एक बाइक आती थी KTM, सबको पता है हम लॉन्डो में तो सबको पता होगा कि ये बाइक आती है राइट। तो मैंने कहा एक लड़के को मैंने कॉलेज जाते हुए देख लिया, मैंने कहा भाई इसका तो टोर है कॉलेज में ये इंटर हो रहा है भाई, इसकी तो अलग ही लाइक फील है भाई। तो मैंने घर वालों को मैंने कहा पापा मुझे ना ये लाइक ये वाली बाइक मेरे को दिलवा दो। पापा ने मेरे को कहा 12th में अगर तेरे 90% आएंगे तो मैं तेरे को ये बाइक दिलवा दूंगा। सही फरे प्रोमिस करे मेरे से। मैंने बहुत पढ़ाई करी भाई, बहुत, मैं स्कॉलर था, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो आई स्कोर लाइक 95% इन 12th राइट। तो मैंने कहा भाई बाइक दो मेरे को तो पापा मतलब हमारी फैमिली कंडीशन यार इतनी स्ट्रांग नहीं थी स्टार्टिंग से। मेरी ऑडियंस जो ये पॉडकास्ट देख रही है उन्हें पता है कि यू नो आई सफर्ड फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर लाइक टिल जब मैं 6-6 साल का था मेरे को ब्रेन ट्यूमर हुआ था एंड 14 साल तक आई वाज ऑन टोटल मेडिकेशन। तो ब्रेन ट्यूमर हो गया था मतलब 3 साल में टोटली लाइक ऑफ हो गया था। बट उसके जो सिम्टम्स थे मेरे को फिट्स आते थे स्कूल में, मेरे को चक्कर आते थे, मतलब मैं बहुत कमज़ोर था। अभी तो मैं बहुत ठीक ठाक हो चुका हूँ बट पहले मैं टोटली मेडिकेशन। लोग मेरे को पूछते हैं भाई बाबू भैया कुछ खा पी नहीं रहे हो क्या आप? लोगों को यही नहीं पता कि मैं 14 साल तक मैं केवल दवाइयों पर ही जिंदा रहा हूँ। मेरे घर वालों ने अपनी ज़िंदगी का पहला फ्रिज तब लिया था क्योंकि उनको ना मेरी दवाइयाँ स्टोर करनी पड़ती थी राइट। उस टाइम मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 की बात कर रहा हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनकी महीने की सैलरी आती थी 1200 रुपये और हम पहाड़ों में रहते थे। मैं उत्तराखंड से, तो टीरी पौड़ी करके एक जगह, तो ये बहुत रिमोट एरियाज थे उस टाइम, अब तो बहुत डेवलपमेंट हो गया बट उस टाइम मेरे पापा की सैलरी आती थी 1200 रुपये। आप ये लगाओ कि उसमें से 800 रुपये मेरी मेडिकेशन में जाते थे बिकॉज ब्रेन ट्यूमर एक मेरे को ना एस्थमा भी हो गया था तो इनहेलर्स आते हैं भाई। वो एक इनहेलर ना 300 रुपये का आता था जो 1 महीना चलता था आई रिमेंबर। तो आप ये सोच रहे हो 1200 रुपये में से एक बाप के लिए 300 रुपये खर्च कर पाना और उसके बाद अपनी फैमिली भी संभालना और बाकी मेडिकेशन अलग। तो मुझे पता है यार मेरी फैमिली ने लाइक यू नो बहुत इन्वेस्ट करा है और हम लोग बहुत बुरी फाइनेंशियल कंडीशन से गए हैं उस टाइम पे। रिस्पेक्ट है यार अंकल के लिए यार, क्रेजी क्रेजी। तो नाउ यू आर कंप्लीटली आउट ऑफ इट, अब सिम्टम्स वगैरह कुछ नहीं आता या अभी तो फुल मस्त एकदम फुल पावर सीन, अभी तो फुल गुम फुली क्योर्ड है हां, अभी फुली क्योर्ड। मतलब 2000 जब मैं 14-15 का था आई वाज फुली क्योर्ड, मतलब उस टाइम हो गया था। तो क्या हो रहा है अभी, मतलब उस टाइम मेरे को लगता था कि मैं ना कभी जिंदगी में सीधा नहीं चल पाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं मैं ना टेढ़ा चलता था क्योंकि ब्रेन का इम्बैलेंस था। तो मैं ना मेरे घर वालों को लगता था ये कभी ना सीधा नहीं चल पाएगा अपनी जिंदगी में। आज मेरी मम्मी बोलती है कि ये वो लड़का है जिसे मैंने सोचती थी ये कभी बाइक भी चलाएगा कि खुद ही सीधा नहीं चल पाता था राइट। तो और आज इस लड़के ने इंडिया घूम लिया यार बाइक से, यार नाम रोशन कर दिया भाई परिवार का, मेन फुल पावर यार सबसे बड़ी बात। भाई तेरे डैड तू बता रहा टीचर थे, तो कैसे तूने मतलब कुछ बोलते थे कि भाई तू क्यों जा रहा है इसमें यूट्यूब वगैरहा क्यों कर रहा है बाइक से नॉल, ये क्या सीन रहा यार? पता क्या रहता है मेरे डैड टीचर थे तो सबको पता है भाई जिसके पिताजी टीचर है ना भाई डंडा रहता है पढ़ाई का। तो मैंने ना अपने घर वालों के लिए मैं पढ़ाई के लिए हमेशा टॉप नॉच था। मैंने कहा भाई मुझे मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे साइड बाय साइड ये भी करने दो। तो मैंने जब अपनी ग्रेजुएशन करी थी तो बाइक लाने वाली स्टोरी में आप लोगों को बता रहा था 1,96,000 की वो बाइक पड़ती थी उस टाइम। तो पापा ने कहा यार हमारी इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, उस टाइम भी घर बन रहा था हमारा, चल रहा था, मतलब इतने स्ट्रांग नहीं थे हम लोग फाइनेंशियली। तो मैंने कहा यार 1 लाख रुपए तो करने हैं। तो मैं लास्ट ईयर था मेरा ग्रेजुएशन का, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करा था और मैं जिस एरिया में से मैं था वहाँ पर बहुत कम फीस चार्ज कर सकते थे आप। तो मैंने 300 रुपये में महीने मेरे की ट्यूशन भी पढ़ाई है। मैं कॉलेज में भी पढ़ाता था यार, अभी शायद बहुत सारे लोगों को यकीन ना हो। I've completed my graduation, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, I've completed my B.Ed, अभी मेरा M.Economics का फाइनल पेपर है, उसके बाद अभी मैं Ph.D अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं स्टडीज़ के लिए अभी फुल स्ट्रीम में नहीं हूँ। तो मैं इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, टैक्स और ये सब चीज़ें पढ़ाता था, बिजनेस स्टडीज़। फिर मैंने कुछ टाइम स्कूल में भी पढ़ाया लाइक यू नो वो बाइक के लिए पैसा करने के लिए। तो मेरे पापा इसलिए खुश थे कि यार ये पढ़ाई कर रहा है, इसके बाद ये इसे जो करना है ना वो ही बेस्ट है। एंड दैट इज व्हाट आई वुड से कि आज के टाइम में सब लोगों को यूट्यूबर बनना है राइट। भाई लोगों को स्ट्रगल ही नहीं पता भाई यूट्यूब की, यूट्यूब ऐसा नहीं दे रहा भाई, स्टार्टिंग में तो नहीं दे रहा भाई स्टार्टिंग में भी नहीं। अगर तुम्हारे पास 2-3 लाख सब्जेक्ट तब भी कुछ नहीं दे रहा। एग्जैक्टली ब्रांड्स होने चाहिए, वही मेन सोर्स ऑफ इनकम। और 2-3 लाख पे ब्रांड्स आपको कितना देगा भाई? इतने यूट्यूबर हो गए हैं भाई, इतने यूट्यूबर, हर एक बंदे को यूट्यूब करना और हर एक बंदे के आज के टाइम में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स बहुत एवरेज हो चुके हैं भाई। जब आई स्टार्टेड 10,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे ना, मैं छत पे जाकर के नाच रहा था भाई। मैंने कहा भाई 10,000 सब्सक्राइबर हो गए सेलिब्रिटीज। आज के टाइम में जिसके मिलियन भी है ना भाई कोई नहीं पूछ रहा है किसी को ऑनेस्टली अनटिल अनलेस आपका कंटेंट नहीं है, राइट? तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? मैं तो यही बाइक लेने की स्टोरी बता रहा था। तो पापा ने कहा कि पढ़ाई करता रहे और बहुत सपोर्टिव थे यार, पापा ने मेरे को कभी नहीं रोका। अभी तो अभी 3 मिलियन होने वाले मेरे चैनल पे, तो पापा मेरे को ना स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं। अभी 294 में भी शाम को स्क्रीनशॉट आ जाएगा, अभी पापा कॉलेज में होंगे तो शाम को सबसे पहला स्क्रीनशॉट उन्हीं का, देख बस 60,000 बच के 3 मिलियन करवा देते हैं। घर वाले होते हैं खुश होते हैं, वो देखते रहते हैं। हमारे घर वाले को भी ऐसी भाई फैंस आपसे तो बहुत ज्यादा अटैच होंगी ऑब्वियसली। फैमिली में ऐसा कोई है कि सबसे ज्यादा किसी से अटैच है आप, मतलब डैड से या मॉम से किसी? भाई मेरे से ज्यादा फैंस मेरे मॉम डैड के हैं। उसके बाद मेरे ना 2 लाइक यू नो लाइक डॉगीज हैं, एक जूलू और एक सैंडी, तो मतलब उसके बाद उनके फैंस हैं और लास्ट में जो बच्चा है हमारा। ब्रो जैसे आप बता रहे थे कि आप छोटे शहर से और फैमिली बहुत कंजर्वेटिव रही है, डैड टीचर हैं, फिर उनको कैमरे पे लाना जब वो पहली बार फेस कर रहे थे तो उन्होंने कभी वो नहीं करा कि यार हमें मत दिखा, तुझे जो करना है कर, या वो धीरे धीरे कंफर्टेबल हुए? कैसा रहा सीन? यार मेरी फैमिली ना बहुत क्रेजी है, मतलब यू नो, और बहुत ओपन है, मस्त। मतलब मेरे से ज़्यादा वो लोग मेरे को कंटेंट देते हैं। मैं अगर 1-2 मिनट बाद बोर करने लग जाऊंगा ना, अगर मैं पापा पे 20 मिनट का ब्लॉग बना दो ना तो लोग पागलों की तरह लाइक दे वॉच इट, राइट? एंड मैं एक बात ही कर रहा हूँ डैड की, आप लोगों ने एक वीडियो देखी थी कुछ 2-3 साल पहले, एक वीडियो वायरल हुई थी, एक लड़का KTM लेकर के जा रहा होता है, राइट? एंड फिर उसके पिताजी वो बाइक चलाते हैं और वो फिर उसके वो पापा को बोलते हैं कि यार रुक जाओ बहुत तेज बाइक चला रहे हो पापा, ओ शिट वो इतनी तेज बाइक क्यों चला रहे हो? फिर उसके बाप करके एक वीडियो वायरल हुआ था बहुत टाइम पहले, मैंने देखा नहीं मैंने शायद न्यूज़ बने उसके, बहुत वायरल वीडियो ऑल ओवर इंडिया में। वो वीडियो मेरा था यार। तो वो वीडियो एक्चुअली मैं पापा के साथ देहरादून जा रहा था, मैंने कहा यार मेरे को PC बनाना था, लॉकडाउन लगा था उस टाइम, मैंने कहा भाई मुझे तो नया PC बनाना है। तो पापा की एवेंजर नहीं, हाँ पापा के पास हमारे पास KTM थी उस टाइम घर पे और एक पैशन प्रो थी, सबके घर में होती है वाली गाड़ियाँ भाई, एवरेज तो एकदम मस्त, राइट? तो हम लोग KTM पे गए, मैंने कहा, और उस टाइम 4:30 बजे लॉकडाउन इनिशिएट हो जाता था, उसके बाद आपको घर पे ही रहना पड़ता था, नहीं तो फिर पुलिस वाले डंडे मारते थे, राइट? तो मैंने पापा को मैंने कहा भाई PC लेने जाने, 3 बजे तक ब्लॉग एडिट करा, उसके बाद 4 बज गए थे, मैंने कहा आधा घंटा बचा है, देहरादून पहुंच जाएंगे तो एटलीस्ट PC लेकर के आ जाएंगे। तो मैं ना बहुत तेज चला रहा था, मैं कराऊंगा एक 80-90 पे, और KTM के पीछे पापा को बैठाना इज लाइक टफ टास्क, राइट? तो हम आधे रास्ते तक पहुंचे, पापा बहुत गुस्सा कर रहे थे, इतनी तेज मत चला। ये बिल्कुल रियल बेस्ड इंसिडेंट था कि बहुत चिढ़ गए थे पापा मेरे से रास्ते में कि भाई तू क्या कर रही है, कि मेरी ऑलरेडी 50 साल के हो चुके पापा, भाई टांगे टूंगे टूट गई तो वापस जुड़ेंगे भी नहीं स्टेज में भाई। और मैंने कहा यार अब वो छोड़ो, टांगे छोड़ो, पुलिस वाले जब डंडे मारेंगे तो वो कलेश अलग है, राइट? सो व्हाट हैपेंड, पापा ने कहा कि मैं चलाऊंगा बाइक, राइट? तो मैंने कहा ठीक है चला लो, मैंने कहा कितने ही चलाएंगे, 40-50। भाई पापा ने चौथे गियर में 110 लगा रखी थी वो बाइक। मैंने कहा पापा इसका ये गियर अब भी होता है, इसके बाद गियर भी चेंज होता है भाई, और मेरी जो फटी ना भाई वहां बैठ करके, मैंने कहा भाई आज के बाद पापा आपके साथ नहीं बैठना। उस टाइम चलती थी ब्लॉगिंग? नहीं चलती थी, चलती थी भाई। वही वीडियो मेरा सबसे पहला वायरल हुआ था या ऑल ओवर इंडिया में, जिससे मतलब यू नो पता लगा कि हाँ इसके पापा इतने कूल हैं। और मेरे पापा ना मॉम डैड बहुत कूल है यार, मतलब वो मैं उन्हें बोलता हूँ, मैं कहा यार ये शूट करना है, इवन मैं ब्रांड जब कर रहा था तो मम्मा को मैंने कहा ये फेस वॉश यूज करना है, आप जो करना है आप करो, और ब्रांड भी खुश क्योंकि उन्हें दिखता है कि भाई कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं। तो मेरे घर वाले यार मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरे घर वाले ना बहुत पॉजिटिव अप्रोच दिखाते हैं मेरे लिए, वो टाइम निकालते हैं मेरे लिए, क्योंकि आज के टाइम में घर वालों के पास ऑलरेडी इतने काम है, वो क्या हमारे लिए, उनको समझ नहीं आता यार ये क्या शूट कर रहे हैं, क्या पॉडकास्ट कर रहे हैं। इवन मैंने घर वालों के साथ एक पॉडकास्ट करा ये ब्रेन ट्यूमर वाले एपिसोड पे, तो आधे घंटे का वो एपिसोड था भाई, आधे घंटे तक लाइक यू नो मैं खुद पीछे कैमरे के पीछे बैठ के उनको सुन रहा हूँ। मैंने कहा यार इतनी अच्छी स्पीकिंग हो कैसे सकती है दोनों की, तो मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव है इस चीज़ में। तो भाई लॉकडाउन में आपने कैसे मैनेज किया ये सब? मतलब ब्लॉगिंग का ऑब्वियसली बाहर जाना पड़ता है, लोग बोर हो जाते हैं ज़्यादा अगर ज़्यादातर उनको घर का दिखाएं, तो आपने वो चीज़ कैसे टैकल करी? यार सबके लिए ना लॉकडाउन बहुत एक नेगेटिव शिट था, राइट? बट फॉर मी मेरे लिए तो बहुत बड़ा वरदान था। आई रिमेंबर 2020 में लॉकडाउन इनिशिएट हुआ था, अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, तो 2020 मेरा फाइनल ईयर था जिस टाइम मैं अपना कॉलेज कंप्लीट कर रहा था, और मैं उस टाइम महीने की YouTube पे केवल 3 वीडियोस अपलोड कर रहा था, क्योंकि मेरे को संडे ऑफ मिलता था और 3 ही संडे आते थे, चौथे संडे मेरे को कहीं ना कुछ करना होता था। तो मैं 3 संडे क्या करता था, आई यूज टू शूट वीडियोज़, और फिर जब मेरे को छुट्टी मिलती थी या कुछ मतलब ऑफ ले लिया 1 घंटे का कुछ कर लिया तो मैं उस टाइम में एडिट करता था। तो आप ये सोचो महीने के केवल 3 व्लॉग्स आते थे मेरे चैनल पे, तो मैं फुल टाइम था ही नहीं कभी यूट्यूब पे। तो जब लॉकडाउन इनिशिएट हुआ, मैं स्कूल बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, स्कूल से जॉब चली गई, जहाँ मैं स्कूल में भी मैंने 5-10 हज़ार रुपये में पढ़ाया यार, तो यू नो वो स्कूल की जॉब भी चली गई, कॉलेज मेरा खुद का बंद हो गया, जहाँ मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था वो भी बंद हो गया, राइट? ट्यूशन्स भी बंद हो गए क्योंकि बच्चों ने लाइक घर वालों ने अपने बच्चों को भेजना ही बंद कर दिया था उस टाइम पर। तो फिर पापा ने कहा कि आप घर पे बैठ के क्या कर रहे हैं, वीडियोज़ ही पोस्ट कर, राइट? तो मैंने कहा यार लेट्स गो फॉर द वीडियोस। तो मैंने क्या करा, हफ्ते की अब तीन वीडियोस पोस्ट करना शुरू करा। एंड मैंने ना फैमिली को कम कम दिखाता था, बट उस टाइम मैंने क्या करा, फैमिली व्लॉगिंग शुरू करी। तो लॉकडाउन में मेरे पास इतना टाइम था, आप ये लगा लो मेरे को 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने में 1 साल लगा था, और मेरे को 1 मिलियन करने के लिए भी 1 साल लगा। उसके बाद लॉकडाउन के 1 साल बाद 1 मिलियन, और अभी शायद दूसरा साल चल रहा है। तो अभी लाइक यू नो इट वॉज अ सब्सटैंशियल ग्रोथ, क्योंकि मेरे को ना लॉकडाउन में फैमिली के साथ टाइम मिल गया। तो मेरे को मेरे लिए तो बेस्ट ही था, और मैं बहुत नॉर्मल कंटेंट दिखा रहा था, घर वालों के साथ घूम रहे, खा पी रहे हैं, राशन लेकर के आ रहे हैं, लेकिन लोगों को बहुत वही मजा आने लग गया। मैंने कहा भाई मस्त, ये तो जब आपका माँ बाप आपके कंटेंट बन जाते हैं, लाइक यू नो कंटेंट देने लग जाते हैं, तो आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी लॉकडाउन में, राइट। तो मेजरली वही घर वाले और घर पे ही डिपेंड। एग्जैक्टली। तो भाई जैसे आपने बताया LOC वाली वीडियो वन ऑफ द मोस्ट वायरल वीडियोस थी, तो अगर मैं पूछूं कि गेम चेंजर अगर मैं आपके करियर में किसी चीज़ को कहूं, तो मैं कंट्रोवर्सी को कह सकता हूं, या फिर मैं किसी और कोई आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो मेरा गेम चेंजर था, ये ट्रिप मेरा गेम चेंजर मेरी नजरों में भी तू तभी आया था, कंट्रोवर्सी में ही आया था यार। एग्जैक्टली, मतलब उस बारे में बात कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, मतलब तू कर सकता है, हम तो कर सकते हैं, बस हम कैरेक्टर डिस्क्लोज नहीं करेंगे, राइट। नाम तो देख ऑडियंस को पता ही है, तो हम किसी का नाम नहीं लेंगे। बाकी एल्विश लक्ष्य हमारे फ्रेंड्स हैं, उनका नाम हम ले सकते हैं। तो गेम चेंजर तेरे लिए कंट्रोवर्सी थी या कुछ और था? यार मेरे लिए गेम चेंजर एक्चुअली में कंट्रोवर्सी थी, बिकॉज ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, छोटे शहर वाला यूट्यूबर, मेरे को बहुत लोगों ने टैग लाइन दी थी, बिकॉज दे थॉट कि उत्तराखंड मैप पे नहीं था। आपने बहुत कम यूट्यूबर्स देखे होंगे जो उत्तराखंड से, इवन लक्ष्य इज नॉट फ्रॉम उत्तराखंड, वो ही इज फ्रॉम यूपी, राइट। लक्ष्य पढ़ाई कर रहा था अपनी, तो मुझे हाँ देहरादून में, राइट। तो उस टाइम लोगों को पता नहीं था उत्तराखंड के बारे में, और 1 मिलियन हो गए थे, ये कंट्रोवर्सी के टाइम ही मेरे 1 मिलियन होते हैं। मैं कहा भाई अब तो जिंदगी सफल हो गई बट अब अपने करियर के पीक पे होते हो, और फिर जब वो एक डाउनफॉल आता है ना भाई, और आपको अभी तक केवल लोगों से प्यार मिल रहा था भाई कि हम आपसे इतना प्यार करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट फिर क्या रहता है कि चीज़ें ना एक टाइम से नेगेटिव शिट पर चली गई भाई एकदम, और कॉन्ट्रोवर्सी भी। उसके बाद जो लोग मेरे को नहीं भी जानते थे ना भाई ऑल ओवर इंडिया में, उन लोगों ने भी मतलब यू नो दे गॉट अ रीच आउट टू मी कि भाई क्या चल रहा है इस लड़के की जिंदगी में। अब नॉर्मली क्या होता है भाई, जब आपके ब्रेकअप होते हैं ना भाई, तो लौंडे का साथ कोई नहीं देता, सबको लगता है भाई कि लड़के के ही गलती है, नो मैटर वॉट, कि भाई लड़के ने ही गलती करी है, भाई लड़के ने ही वो करे। तो उस टाइम ना फॉर द टाइम बीइंग ऐसा हो गया था कि सब कुछ थोड़ा सा ऑफ जाने लग गया था भाई, लोगों को रियलिटी नहीं पता था कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, राइट। क्योंकि इनिशियल बम जब रहता है ना, तो सब मतलब ये चीज़ रहती है कि लड़कों की गलती निकाली जाती है कि भाई लड़का ही गलत हो गया इसलिए ब्रेकअप हो गया इनका। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सा लाइक यू नो एल्विश, लक्ष्य, सम्राट भाई, इन लोगों ने भाई इनका जो कॉन्स्टेंट सपोर्ट था ना उस टाइम पे, लाइक यू नो दैट टुक मी आउट फ्रॉम देयर। मैं जब मेरी मतलब यू नो जब मेरा ये कंट्रोवर्सी वाला टाइम चला था, तो आई वाज इन टोटल डिप्रेशन। मेरे को सुसाइडल थॉट्स भी आए हैं, मैं लेकिन ना मैं बहुत सीरियस नोट पर सोचता था कि यार सब कुछ एंड हो चुका है, बिकॉज यू नो जिस प्लेटफॉर्म के लिए इतना मेहनत करा, 3-4 साल मेहनत करा, अब उस प्लेटफॉर्म पे जा करके तुम्हारे लोग ही तुम्हें बाइकआउट करना शुरू कर रहे हैं, जस्ट फॉर फुल स्टोरी किसी को नहीं पता भाई कि क्या हो रखा है, बस लोगों ने एक साइड ऑफ द स्टोरी देखा एंड दे लाइक यू नो स्टार्टेड कि भाई ये तो गलत है, ये तो गलत है। तेरे ब्रेकअप से पहले मैं काट रहा हूँ, सॉरी, तू व्लॉग करता था अपनी, मतलब साथ में करते थे हम लोग, सब दिखाते थे तुम लोग, सब कुछ पब्लिक था हमारा। सबसे बड़ा ये सीन था कि हम लोग रिलेशनशिप में हम लोग पब्लिक था, बिकॉज भाई पूरा फुल भरोसा। मैंने कहा भाई ये तो सीन, एक एंट्री का भी व्लॉग बनाया हुआ है फूल वगैरह, अभी गाना भी आ रहा है यार उस पे भी 18 तारीख को। सो ये सीन था कि फुल पब्लिक था हमारा रिलेशनशिप जो भी था, तो मतलब ऐसा था कि जन्मों जन्मों का सीन है भाई। तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, फैमिली में भी पता है। बट जब वो हिट पड़ी ना भाई, तो वो बहुत डैमेजिंग था। मेरे को ना यूट्यूब से मतलब नहीं था कि क्या चल रहा है, बट मैं ना इमोशनल ब्रेकडाउन पे था, क्योंकि वो एक लाइन थी ऐ दिल मुश्किल की, ये मेरी जान अभी टूटा है बिखरा नहीं है। जब आप बिखरते हो ना अपनी ज़िंदगी में भाई, वो टाइम आपको समझ नहीं आता आपको करना क्या है ज़िंदगी में। और एक लोगों को लगता है लड़के ना बहुत स्ट्रांग होते भाई, ये नहीं रो सकते भाई। मैं अपनी मम्मी के पास आ गया ना रात को, लाइक यू नो 2-2 घंटे रोता था। मैंने कहा यार क्या चल रहा है, और उस टाइम आपको चीज़ें समझ नहीं आती, मम्मी समझा रही होती कि भाई ये ज़िंदगी नहीं है, ये इससे भी आगे जा करके तेरे को काम करना है, राइट। बट जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो ना, और जब आप बिखरते हो, तो आपके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है, कोई गोल्स नहीं रहता ज़िंदगी में। आपको लगता है यार क्या हो गया आपके साथ ये जिंदगी में, आपने इतना ट्रस्ट दिखाया, आपने इतना सब कुछ करा, और वो इंसान आपको धोखा देके चला गया, राइट। बहुत मुश्किल टाइम था यार एक्चुअली मेरे लिए, मैंने लाइक इट वाज, मेरे को नींद नहीं आ रही थी भाई। मैं एक वो सुना होगा आपने, एक वो भजन चलता है भोले राम आजा राम, बहुत सब लोगों ने सुना होगा वो, ऋषिकेश में ना उसकी आरती होती थी भाई शाम को 7 बजे। तो मैं वहाँ रोज शाम को ना मेरा भाई लेके जाता था कलमिंग। मेरा भाई बोलता था चल ऋषिकेश चल रहे हैं, हरिद्वार चल रहे हैं, एटलीस्ट यू विल गेट मेंटल पीस। बिकॉज जब आप डिप्रेस रहते हो ना आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता आपकी ज़िंदगी में कितना पैसा आ रहा है। मैंने ब्रांड डील्स क्लोज कर दी थी, ऑलमोस्ट 10-12 लाख रुपये का काम वापस कराया मैंने, क्योंकि मैंने उनको कहा भाई मैं खुद ही वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, मैं तुम्हारे ब्रांड्स कहाँ से करूँगा, राइट। मैं मेंटल स्टेट में नहीं था। अगर मेरे को पैसा और या यूट्यूब ही करना होता ना भाई, कंट्रोवर्सी एक ऐसा पॉइंट है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आपका चैनल ना पीक पे रहेगा, राइट। और जब मेरी कंट्रोवर्सी हुई थी ना मैंने यूट्यूब इंस्टाग्राम सब जगह क्विट कर दिया था, बिकॉज मेरे को ना वो अटेंशन नहीं चाहिए थी, वो नेगेटिविटी शिट नहीं चाहिए थी कि भाई लोग आए चैनल पे और कंट्रोवर्सीज हैं। तो कंट्रोवर्सी के टाइम आई क्विट माय चैनल, मैंने अपना चैनल क्विट कर दिया था ऑल फॉर ऑलमोस्ट लाइक 15-20 डेज, और चैनल पीक पे चला था, 1 मिलियन हुए थे एवरी वन, मतलब रिकमेंडेशन टोटली हाई थी, CPM बहुत हाई था। बट वो 15 दिन मेरे लिए बहुत डैमेजिंग थे मेरे मेंटल स्टेट के लिए। बट जब आप बिखर के वापस आते हो ना, उसके बाद आई हैड माई आसाम राइड, भाई रोल्ला जमा दिया भाई ऑल ओवर इंडिया। हम लोगों ने मतलब हमारा मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, हमारा जो मीटअप्स होते हैं ना, हम लोगों के मीटअप्स होते होंगे बट हम लोग ना मीटअप तक पहुँच ही नहीं पाते। हमारे पास मतलब आज के टाइम पे मेरे पास एक इतनी कोर जनता हो रखी है, इतनी हार्ड कोर जनता हो रखी है जो इतना प्यार करती है, इतना भरोसा करती है। एंड मुझे लगता है वो सब कुछ ना कंट्रोवर्सी के ही कारण मिली, बिकॉज ऑडियंस को ना पता लग गया कि भाई एक लड़का है एंड लोग ना बहुत स्मार्ट है भाई, पब्लिक का तुम फुद्दू नहीं काट सकते। तुम एक वीडियो में पब्लिक का फुद्दू काट लोगे कि भाई हम तो ऐसे, बट ओवर द टाइम ना लोग आपको जज कर लेते हैं, राइट। वो आपको सिंगल वीडियो से नहीं पहचानेंगे। अगर मैं एक वीडियो में ना किसी गरीब की हेल्प कर दूं तो एक जनता आएगी जो बोलेगी भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, बट वो जनता अगले दिन आपके साथ नहीं रहेगी। अगर आपको एक ऐसी जनता चाहिए जो आपके साथ इमोशनली और मेंटली लॉन्ग टर्म रहना, तो वो आपको लॉन्ग टर्म ऑफ वीडियोज में जज कर लेते हैं। और मैं बहुत प्राउड था कि यार जो मेरे साथ जो जनता थी ना उन्होंने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा, राइट। मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था कि आई क्विट, भाई लोगों के ना रोज मुझे ऐसा लगता है कि इतने डीएम तो मेरे को अभी तक के करियर में नहीं आएंगे। रोज 10-12 हज़ार डीएम आते थे और इंस्टाग्राम पे भी कुछ लाइक यू नो 2 लाख फॉलोवर थे। मैं रोज चेक करता था कि भाई लोग मेरे को बस ये बोलते थे कि अनुराग भैया कम आ जाओ, स्टार्ट पोस्टिंग यूट्यूब की, बस आप आ जाओ, मतलब हम वी जस्ट वॉन्ट टू सी यू स्माइलिंग। मैं अपनी जिंदगी में ना कभी रोया नहीं हूँ पब्लिक में, बट यू नो मैं पब्लिकली भी रोया हूँ, बिकॉज मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था यार कि हाउ टू कंट्रोल माई इमोशंस, राइट। बट ट्रस्ट मी, एक बारी जब तुम टूटोगे ना भाई, और उसके बाद जो तुम आओगे उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं तोड़ सकता इस दुनिया में। कोई तुम्हारा नाम यूज करे, कुछ करे, कोई तुम्हें कितना बिच आउट करे, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा उसके बाद। और यूट्यूबर बनने के लिए ना एक ऐसा पॉइंट चाहिए आपको जिंदगी में, ये जन्म सिद्ध वो कर रहा हूँ मैं कि भाई एक कंट्रोवर्सी आपको चाहिए, नॉट फॉर बीइंग फेमस, बट आपको मेंटली स्ट्रांग करने के लिए आपको वो कंट्रोवर्सी चाहिए ही चाहिए जिंदगी में। भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर तेरे को धोखा मिल सकता है तो फिर तो भाई किसी को भी धोखा मिल। भाई मैं तो ये बोलूंगा जितने रिलेशनशिप है प्राइवेट रखो भाई, जब तक तुम शादी में एफिडेविट ना दे दो ना कोर्ट मैरिज का, तब तक अपना रिलेशनशिप प्राइवेट। भाई किसी का कुछ भरोसा नहीं है। तुम सोचो, तुम फैमिलीज को पता है, राइट, और छोड़ो फैमिलीज को, पूरी दुनिया को पता है भाई, पूरी दुनिया को पता है। ऑलमोस्ट शादी तक का सीन हो गया था भाई, लेकिन जो उसके बाद जो सीन में मेरी तो शादी टूट गई भाई फुल डिप्रेशन। मैंने कहा यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए, राइट। और धोखा देने वाला टॉपिक नहीं था, कुछ इमेच्योर डिसीजन से, दैट्स इट, राइट। कि जो लोग आपके अगेंस्ट थे आप उन्हीं से जाकर के मिल गए भाई, समझ लो। जो लोग आप पे ही, मैं उस बंदी का स्टैंड ले रहा हूँ, और जो बंदे उस पर वीडियो बना रहे हैं वो उसी को जाकर के भाई तू तो मेरा भाई है, तू तो मेरा ये वो है। आप सोचो कि मेरा मेंटल ब्रेकडाउन क्या हो रहा है। मैंने कहा यार इसके लिए तो स्टैंड ले रहा हूँ मैं। लक्ष्य, एल्वेश, सम्राट किसके लिए स्टैंड ले रहे थे भाई? मेरे लिए स्टैंड ले रहे थे। और मैं किसका स्टैंड ले रहा था? उसका। भाई वहां तो अलग ही सीन पर लड़ गए। भाई ये तो गलती हो गया। आप सोचो ना कि अगर आपकी टीम में से आप तीनों, अगर आपकी टीम में से कोई आपको बिच आउट करके चले जाए, आप पे कोई भरोसा ही नहीं करेगा भाई। आपको बोलेगा आपकी टीम में स्ट्रांगनेस नहीं है, आपकी टीम में यूनिटी नहीं है, आप किस पर ट्रस्ट करोगे, राइट। तो वो सीन भाई स्टेट पे आगे फिर ब्रेकअप भी हो जाना। इसमें ये भी होता है ना, आगे चल के फिर किसी पे ट्रस्ट करना भी बहुत टफ हो जाता है भाई। मैं किसी पे भरोसा ही नहीं करता आज के भाई। वो नहीं हो पाएगा, सही बात है। वो स्टेज बहुत मुश्किल ही आ पाएगी। मतलब शादी वाली तक का सीन हो गया था, उसके बाद ये हुआ। फिर तो भाई शादी करूंगा प्राइवेट जब तक 2-3 साल नहीं होगी ना तब तक दिखाऊंगा नहीं भाई मैं शादीशुदा हूं। सही है यार। ये चीज मैं लाइक आई जस्ट वांट टू एडवाइस एवरीवन, रिलेशनशिप रखो प्राइवेट। सबसे अच्छी चीज है दोस्ती, यू नो, लाइक कोई ब्रेकअप्स नहीं, कोई बिचिंग नहीं। अगर तुम्हें जाना भी ना कोई टेंशन नहीं है भाई, अगले दिन तुम्हें थप्पड़ मार के वापस ले आ सकते हैं। जब एक रिश्ता टूटता है ना भाई, जब एक यू नो लाइक कपल का रिश्ता टूटता है तो आप ना पूरा हक खो देते हो। आपके ऊपर कोई हक नहीं रहता कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, और आपको ना ये टेंशन नहीं रहती कि वो इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। आपको यह रहता है कि यार इस इंसान को सब कुछ पता है, राइट। इस इंसान को पता है कि क्या चीज़ें आपको तोड़ सकती हैं, क्या चीज़ें आपको स्ट्रांग करती हैं, बट वो इंसान उस टाइम पे केवल आपको तोड़ने वाली चीज़ों पे तुला रहता है, राइट। और उस टाइम पे केवल आपको एक मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है। वो टाइम मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत सपोर्ट कराया उस टाइम पे, लाइक यू नो शी वाज लाइक कि भाई मतलब मैं रोता था यार मम्मी के पास जाकर के, और पापा मेरे को रोते हुए देखते थे ना, पापा भी रोते थे कि भाई क्या हो रहा है, क्या 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 देख रहे हैं हम लोग, राइट। एक माँ बाप ना अपने मतलब अपनी औलाद को कभी रोते भी नहीं देखना चाहेंगे, बट अगर तुम्हें स्ट्रांग बनना है ना, टूट के बिखरने में जो मजा है, और जो लाइक जो आप स्ट्रांग बन के आते हो भाई, ये सब जरूरी था ना, बहुत जरूरी भाई। मैं तो खुश हूँ आज की डेट पे भाई, फुल पावर, कोई टेंशन ही नहीं है। तो उस टाइम कुछ ऐसा थॉट था या कुछ था कि तू वापस ला पाया अपने आप को? आई एम श्योर ऑडियंस को बहुत हेल्प करेगी वो चीज जो तेरे मॉम डैड के साथ, व्हाट ब्रॉट यू बैक टू लाइफ? माय फैंस, माय फैमिली ब्रॉट मी बैक टू लाइफ। ऑनेस्ट भाई, मैं डेड था, मैं खोखला इंसान था, मुझे ना फील ही नहीं, मैं लोगों को लगता है ना कि भाई ये डिप्रेशन रियल नहीं होता, ट्रस्ट मी ये डिप्रेशन ना रियल थिंग है भाई। लोग ना शेयर नहीं करते किसी से कि हमारी जिंदगी में चल रहा है, और शिट मेरी जिंदगी में चल रहा है, लोग ना दिखाते हैं कि हम खुश हैं, बट डीप डाउन जब रात के 2 बजते हैं ना भाई, तो अब तुम्हारी फटती है कि भाई हमारी जिंदगी में चल क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं अपनी जिंदगी में। कुछ लोग अपनी फैमिली से परेशान है, कुछ लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं करी, कुछ लोग अपने रिलेशनशिप से परेशान है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें धोखा मिला भाई, लेकिन वो कभी ऑन स्ट्रीम आ ही नहीं पाए बताने के लिए कि भाई हम भी उस स्टेज से गए हैं। तो लोगों को लगता है यार हमारी जिंदगी में नहीं चल रहा है, बट आई जस्ट वांट टू से कि भाई सबकी जिंदगी सेम है, सबकी जिंदगी में कलेश है, जस्ट टॉक टू समवन। क्योंकि मैं तो बोलता हूँ माँ बाप से बात करो भाई, तुम्हें वो एक टाइम पे गाली देंगे, बट अगले दिन सपोर्ट करने बचाने भी तुम्हें वही आएंगे, राइट। मैं इसलिए कम बैक कर पाया हूँ बिकॉज मतलब मेरी फैमिली से मेरा बहुत अच्छा वो था कि भाई ऐसे ऐसा चल रहा है, ये हो रहा है, बहुत टॉक्सिक हो गया, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक। तो मेरे घर वाले, और प्लस ये था कि यू नो जब मतलब फैमिली अब्यूज़ हो गया था, मतलब यू नो घर वालों को गाली देना, भाई मेरे माँ बाप ने मेरे को पैदा किया, राइट। मैं उनके बारे में कभी नहीं सुन सकता कि भाई कोई एक लड़की आकर के उनको गाली दे रही है, कर रही है, वो कर रही है, उनके बारे में बोल रही है, कर रही है। तो मेरे लिए था कि मेरे लिए मेरे माँ बाप से ऊपर कोई नहीं हो सकता, राइट। मुझे पता था अगर मैं कर रहा हूँ ब्रेकअप तो गाली भी पड़ेगी, बट यार वो माँ बाप नहीं छूटेंगे, राइट, जिनके लिए जिन्होंने मेरे को पैदा किया, राइट। मैंने कहा ये गाली 2 दिन में सुन लूंगा कि ब्रेकअप हुआ, बट लोगों को असलियत जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता लगी ना, जनता भी तेरे पास वापस आ गई। वो जनता मेरे साथ आज ऐसी खड़ी है ना भाई, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। वो जनता ना होता है पता है, जब 2 साइड ऑफ द स्टोरीज आते हैं ना तो लोग थोड़ा बहक जाते हैं, बट अपन की जनता आज की डेट पे इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें पता है कि भाई बाबू भैया की जिंदगी में क्या हुआ है एंड कैसे वो कम बैक करें। आज की डेट पे अगर कोई छेड़ लेने की भी कोशिश करता है ना भाई, वो पहली लाइक खत्म करके रखते हैं सीन। तो बाबू भैया की जनता को पटा के रखना पड़ गया नहीं ये अपनी लौंडे का हमने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया बाबू भैया नहीं नहीं यार, सब अपना तो भाईचारा है। तो ये जो बाबू भैया नाम है वैसे घर का ही है या फिर ऑडियंस रखा है? ये मीम से उठाया कि यार, ये मीम से भी नहीं उठाया तो हेरा फेरी। हाँ हेरा फेरी एक्चुअली। ये भी पूछूंगा और लुक भी पूछूंगा कि ये लुक किससे इंस्पायर्ड है, या ये मतलब बड़े बाल वगैरह इसी से इंस्पायर्ड है कि भाई बहुत आलस आ रहा है, शेड्यूल बहुत टाइट है। यार बाबू भैया लाइक एक ब्रांड एंडोर्समेंट थी मेरे पास, 3000 रुपए की ब्रांड एंड। मैं कहा अमीर हो गए भाई हम तो, 3000 रुपए आ रहे हैं। बहुत पहले की स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ यार, बहुत लाइक यू नो बहुत अच्छा टाइम था, यू नो जब काम करने में बहुत मजा आता। आज के टाइम में इट्स अ पार्ट ऑफ द रूटीन, राइट। तो एक ब्रांड एंडोर्समेंट था, तो मेरा कैरेक्टर था पीरू, राइट। तो क्या रहता था ना, बहुत से लोगों को एडिटिंग पता होगा कि आप एक दरवाजे से आए, आपने कैमरा सेट करके रखा और आप उस दरवाजे से बाहर निकल गए और आपने कट लगाया आधी स्क्रीन में और फिर से आप दूसरा कैरेक्टर बन के आते हो। तो मैंने एक दूसरा कैरेक्टर बनाया था अपना पीरू, तो वो मेरा नौकर था एक्चुअली वीडियो के परस्पेक्टिव में। तो वो मेरे को बोलता था बाबू भैया तो घर पे नहीं है, अब मैं आपको आगे का ब्रांड एंडोर्समेंट बताऊंगा, राइट। तो वो एक वीडियो मैंने बोला था, उसके बाद लोगों ने मेरे को बाबू भैया करके बोलना शुरू कर दिया। और आज की डेट में ट्रस्ट में भाई हो, मेरे को ना कोई बाबू भैया से, मेरे को कोई अनुराग डोभाल से जानता ही नहीं भाई, UK07 से भी नहीं जानता। बाबू भैया नाम क्या चाहिए ना, मुन्ना भैया, बाबू भैया। ब्रांडिंग भी कर रखी है ना थार के आगे, बाबू भैया चल रहा है अपना यहाँ पर पीछे भी लिख रहा है, थार के आगे लिख रहा है सिर्फ, नहीं आगे भाई बाबू भैया आ रहे हैं, बाबू भैया जा रहे हैं। जब मेरे मीटअप्स भी होते हैं ना, तो मेरे को कोई UK07 नहीं चलाता, 2 ही स्लैंग उड़ रहे होते हैं, बाबू और भैया, मतलब यही चल रहा होता है भाई कि बाबू भैया आ गए, बाबू भैया। भाई अनुराग में अनुराग भाई जब से तूने YouTube स्टार्ट किया है उसके बाद आई गेस फैन फेस्ट ऑफ हो गया था, हाँ जी, है ना। तो तू तो अपने फैन फेस्ट बनाते जा रहा है भाई, फैन फेस्ट में इतनी भीड़ नहीं आती जितनी भाई जितने तेरे मीटअप पे आते हैं, सही में। तो उसका एक्सपीरियंस बता ब्रो, क्योंकि आई एम श्योर तू सबसे वेन्यू तक भी नहीं पहुंच पाता जैसे तूने कहा। तो तेरे को लगता नहीं कि मुझे ऑर्गेनाइज बेटर वे में करूं, कुछ स्टेज लगा दूं या क्या, मतलब क्या रहता है? यार मैं बताता हूँ लोगों को ना, ये चीज ना बहुत सुननी होगी, पॉडकास्ट में सबसे मेन पॉइंट होगा। लोग मेरे को बोलते हैं भाई बाबू भैया मीटअप ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कराते हैं? भाई मैं मीटअप जहाँ ऑर्गेनाइज हो रखा होता है ना, मैं वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता, राइट। हम लोगों ने आसाम में एक मीटअप रखा था, हम लोगों ने सोचा आएंगे 500 लोग, भाई वहाँ 7,000-8,000 लोग थे, हमें पूरा रिजॉर्ट बंद करना पड़ गया था। आप सोच रहे हो 7-8 हज़ार लोग कितने होते हैं, और वो भी ये कंट्रोवर्सी के टाइम के बाद में आएगा। YouTube फैन फेस्ट में भी 4,000 थे, YouTube फैन फेस्ट में सबके होते राइट, वहाँ पर वो अपने थे, तूने अपने नाम पे खड़े कर रखे। तो लोगों, भाई मेरी खुद की हालत खराब थी, मैंने कहा इतने लोग हैं क्या आसाम में, मैंने कहा भाई मेरे जानने वाले। तो हम लोगों ने 12 बजे का मीटअप रखा था और हमने ना लेट, क्योंकि सिक्योरिटी, आप कितने सिक्योरिटी बुलाओगे, 12 बाउंसर्स थे हमारे पास, रिजॉर्ट की सिक्योरिटी अलग थी, स्टेज था, भाई हमारे वो सिक्योरिटी नहीं कंट्रोल कर पाई, कहाँ से क्या तो बचाओगे और किस किस को भगाओगे राइट। मैंने आप सिक्योरिटी से पहले बोलता था, मैंने कहा देखो भाई फैंस को धक्का मुक्का मत मारना, मेरे को कर लो, मेरे को अगर सिक्योरिटी रखना कर लो, बट फैंस को मत करो यार, बिकॉज वो लोग ना भाई 2-2 दिन 3-3 दिन ट्रैवल करके आते हैं राइट, रात भर खड़े रहते कि बाबू भैया मेरे को मिलेंगे। तो मेरा जो पहला मीटअप होता, मैंने कहा भाई ये तो भाई सेलिब्रिटी वाली सीन से छत पे खड़े के हाथ हिला रहा, मैंने कहा शाहरुख खान बन गया मैं। तो यार वो बहुत ना मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मेरे को बहुत लगता है भाई ये तो अलग ही हो रहा है जिंदगी में। मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार कि लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने ना आसाम के बाद हम लोगों ने क्या करा, छोटी छोटी जगह पे मीटअप ऑर्गेनाइज करना शुरू करा, जस्ट टेस्टिंग के भाई अलग अलग स्टेट में हमारी क्या जनता है। अब एक होता है स्नोबॉल इफेक्ट, जब ऊपर से स्नो आ रही होती है ना वो छोटी होती है, लेकिन जब वो रोलिंग इफेक्ट में लोगों को दिखना शुरू होती है ना तो वो बड़ा 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 हो जाती है। उसके बाद हमने दूसरा मीटअप रखा भोपाल, भाई भोपाल में हमारा मीटअप था एक मॉल में। आप ये सोचो भोपाल में पता है कितने लोग थे वहाँ, वहाँ थे 17,000 लोग रोड पे। तो जो मेन रोड था ना वो 4 किलोमीटर तक ब्लॉक था, और हम जो मॉल था, सिक्योरिटी थी मॉल की, मॉल वालों ने हमें पार्किंग में घुसाया और उसके बाद हाथ जोड़ लिए कि हम आपको अंदर लेके नहीं जा सकते क्योंकि इतनी भीड़ है, क्योंकि कहाँ से घुसेंगे लोग राइट। जब तू मीटअप करवाता है तो तू एक स्टेज वगैरह बनवाता है, तू वहां तक भी नहीं पहुंच पाता। एग्जैक्टली, लोगों को पता ही नहीं है कि मीटअप तब शुरू होगा ना भाई जब मैं स्टेज पे पहुंचूंगा। मेरे जितने ब्लॉग्स हैं वो मीटअप के आधे रास्ते में खत्म हो जाते हैं क्योंकि हमें वहां से निकलना पड़ जाता है, पुलिस आ जाती है। अब फिर पुलिस का शॉट भी हम लोगों ने सीन कर रखा कि भाई पुलिस भी हमारे पास है, सब कुछ है, परमिशन भी है। अब हम लोग गए इधर सिलीगुड़ी, तो हमने कहा भाई अगले दिन मीटअप था, आज 17 है, 18 को मीटअप था। मैंने कहा भाई 18 को मीटअप है, लोगों को पता लगा 17 को मैं दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी आ रहा हूँ। रोड पे कुछ 20,000 लोग रोड पे थे, आप ये समझो 10 किलोमीटर का दार्जिलिंग मोड़ वाला एरिया था। तो यहाँ से और यहाँ तक हमारे पीछे 1000 बाइक चल रही थी, 1000 बाइक। ये लोगों को विश्वास नहीं होता कि भाई ऐसा हो सकता है, बट जब आप वो व्लॉग देखोगे ना मेरा, मैं केवल 100 मीटर क्रॉस कर पाया हूँ और दार्जिलिंग मोड़ वहां से 4 किलोमीटर था। तो हम लोग जो हमें दार्जिलिंग मोड़ पहुंच करके सिलीगुड़ी एंटर करना था, और ये लगाओ कि वो पैच ब्लॉक, पीछे वाला जो हमारे साथ आ रहे वो लोग तो ब्लॉक, और 2 थाने की पुलिस हमारे साथ थी वहां पर। तो ऑलमोस्ट 15-20 हज़ार लोग रोड पे थे और उनको ये था कि बस हमें ना इसको छूना है और मिलना है ऐसे एक बारी। तो वहां पर इतना मतलब वो मेरी जिंदगी का सबसे भयंकर क्राउड था यार, मतलब मेरे से नहीं झेला गया था राइट। तो फेंट हो गया था। तो फिर भाई IPS आ गया वहां पर। मैं कहा बेटा आज तो झेल गए हम लोग, क्योंकि हमारी गलती भी नहीं थी राइट, क्योंकि उस दिन मीटअप था ही नहीं। तो लोगों को लग रहा था, लोग कमेंट भी कर रहे थे उस वाले ब्लॉग में कि भाई तूने रोड पे मीटअप क्यों रखा। मैं ना वहां से नॉर्मली क्रॉस हो रहा था और लोगों को बस आइडिया लग गया कि भाई हम लोग वहां से जा रहे हैं, क्योंकि बाइक्स क्लाउड है हमारी राइट। तो सबको पता लग गया था कि हम लोग वहां पर आ रहे हैं। तो वो सीन थोड़ा डिवास्टेटिंग हो गया था। आज तक हम लोगों ने कोई ऑर्गेनाइज मीटअप कर ही नहीं पाए क्योंकि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। भाई अब तो तुम स्टेडियम बुक करो, JLN स्टेडियम, फुटबॉल ग्राउंड, बड़े-बड़े भाई तुम अपना द बैंक टूर करो जैसे सलमान भाई करते हैं। अब तो भाई स्टेडियम ही जगह है जहाँ इतने बट मजा आता है यार लोगों के साथ ना, बहुत अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। क्राउड तेरी वो रील बहुत वायरल हुई थी ना जिसमें तू बाइक से निकल रहा है, और वो मैंने लिटरली तेरी पहली वो देखी थी। मैंने कहा ये बंदा कौन है, इतनी सारी भीड़। मैंने पहली वो रील मैंने तेरी वो देखी थी पहली, फिर मैंने देखा अच्छा ये बंदा है। और उस रील में ना भाई पता को केवल आपको आधी जिंदा दिख रही है, वो जो पीछे भाग वो तो पूरा ब्लॉक था। तो हम लोग मतलब नहीं निकल पाते यार, अब कहीं पर बाइक लेके राइड करना थोड़ा मुश्किल हो चुका है, बट मजा आता है भाई, मजा आता है लोगों को। तो जब आपको पुलिस स्टेशन ले गए थे तो आराम से बातचीत हुई थी या मतलब थोड़ा नहीं हमारा मतलब थोड़ा बहुत मतलब कॉल्स ऑलरेडी जा चुके थे। तो ये था कि सब सपोर्ट में थे कि से आपको सेफ रखना, क्योंकि यार मैं ना सच्ची में मुझे पता लगा दम घुटने से मौत कैसे होती है भाई जिंदगी में। भागदड़ में कैसे आदमी कुछ पता ही नहीं भाई, बाइक पे चढ़ रहे वो भाया भूसा के वहाँ पीछे वाला जो गद्दी में बैठ रहा है बंदा, भैया सेल्फी। मैंने कहा भाई बाइक से तो उतर जा, पीछे बैठा भैया आगे तक छोड़ दो। एक बंदा है उस ब्लॉग में देखना, इतनी भीड़ है, और एक चाय की टपरी थी किसी की, बोल भैया चाय पीने आ जाओ यहाँ पर। मैंने कहा भाई तुझे दिख रहा है यहाँ हो क्या रहा है। क्रेजी मतलब बहुत अलग एक्सपीरियंस, बट बहुत मजा आता है यार। मैंने लोगों को ना 2-2 रात हाईवेज पे खड़े होकर देखा, क्योंकि यार मेरा शेड्यूल हमेशा लेट ही रहता राइट। तो मैं उन लोगों का शुक्रिया बोलना चाहूँगा कि लोग इतनी मोहब्बत भी कर सकते हैं, राइट। बिकॉज मैं नहीं जानता यार उन लोगों को ना कि भाई ये बंदा ऐसा ही आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, बट उन लोगों को मेरी पूरी हिस्ट्री पता है। उन लोगों को पता है भाई ये ऐसा है, ये इसके साथ ये हुआ है, आज यहाँ तक पहुँच गया। तो वो लोग दिल से हर टाइम। बस इंडिया में ये तो है भाई कि लोग करते हैं प्यार, बढ़िया जुड़ गए तो बढ़िया, भाई नहीं छोड़ते भाई, मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे। लड़ रहे मीटर पे लड़ाई हो रही, भाई बाबू भैया को बाहर निकालो। मैं कहा भाई आपस में क्यों लड़ रहे हो, राइट। और फिर वापस सिचुएशन भी तो हो गया था। तू बता रहा था कि पुलिस, उनको लग रहा है कि पुलिस ने तेरे को अरेस्ट कर लिया। भाई क्या हुआ, पुलिस तो मैं बचाने आई, वहां न्यूज वायरल होगी, मीडिया की बार कि हमें अरेस्ट कर लिया भाई, हमें पुलिस स्टेशन आप छोड़ नहीं रहे। और वहां नारे लग रहे बाहर कि बाबू भैया को छोड़ो, बाबू भैया को छोड़ो। भाई वो सेव करके आ रहे हैं। मैंने कहा और फिर लाठीचार्ज शुरू हो गया। बिकॉज पुलिस वालों को नहीं समझ में आता भाई। मैं उनको ये रिक्वेस्ट कर सकता था, मैं कहा भाई ये अपनी जनता है, कुछ नहीं करेगी, बट वहाँ वो करने लगे, अनशन करने लग गया भाई बाबू भैया को छोड़ो। वहाँ हैशटैग ट्रेंड हो रहा है इंस्टाग्राम पे कि भाई बाबू भैया को, लेकिन वो सेव बाबू भैया करके एक टैग पोस्ट होना शुरू हो चुका था और थाने का पूरा लोकेशन डाल करके। तो अब क्या हो रहा था कि जैसे वो सर्कुलेट होने लग गया तो फैंस वहाँ पर पहुँचने लग गए, राइट। फिर वहाँ पर लाठी चार्ज हो भाई, सबके डंडे पड़े। मेरे को दुख भी लग रहा था, बट फिर मैं अब कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता था। मैं थाने में बैठा था, मैं स्टोरी डालता हूँ थाने से कि भाई मैं सेफ हूँ। तू तो बोलने की हालत में नहीं था उस टाइम भाई, थोड़ा सा मतलब ऑफ हो जाता है भाई अभी। तो भाई जब इतने सारे भीड़ आ जाती है तो घर वालों को नहीं होता कंसर्न सेफ्टी का कि भाई अनुराग थोड़ा सा देख के भाई, क्योंकि भाई जब से सिद्धू भाई का सीन हुआ है तो आपको किसी का इंटेंशन नहीं पता। जहाँ बहुत प्यार है वहाँ बहुत, कहना नहीं चाहिए बट लोगों के इंटेंशन नहीं पता। तो भाई इतनी भीड़ में कोई चक्कू मार के चला, पता नहीं लगेगा। कह रहा हूँ मतलब आपको इंटेंशन नहीं पता सामने वाले का, तो घर वालों को कंसर्न होता है, कुछ कहते हैं यार, घर वाले डरते हैं भी, राइट। और घर वाले मेरे को अभी बाइक राइड्स के लिए मना करते हैं कि भाई अब मत जा, क्योंकि ऐसे ना रात मतलब किसी ने भी हाईवे में रोक के कुछ भी कर दिया। और एक बार ये जब आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है ना भाई, ये यूट्यूब पैसा सब यहीं रख के चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो डरते हैं घर वाले, बट यार मेरा पैशन है, राइट। हो मैं कहा मरेंगे तो लेजेंड बन के तो जाएंगे कम से कम। बट ये है कि सिक्योरिटी, अब दिक्कत पता क्या, लोग मेरे को बोलते हैं सिक्योरिटी रख लो। यार मैं बाइक पे ट्रैवल करता हूँ, मेरे को ना एक वैन बुक करके चलनी पड़ेगी बाउंसर्स के लिए, राइट, या एक थार लेकर के जानी पड़ती है। वो बहुत एडिशनल कॉस्ट है, राइट। एक ट्रिप पे अगर आप थार लेकर के जा रहे हो तो आप ये मान लो एक ट्रिप में 1-1.5 लाख रुपए का फ्यूल थार पे जाएगा ही जाएगा, अननेसेसरी का, राइट। और फिर भाई 8-9 का एवरेज है भाई, पेट्रोल वाली तो मेरा 8 दे रही है हाईवे पे। तो मुझे पता है कि हम लोग आसाम गए थे भाई, 1.5 लाख रुपए का केवल हर दिन हम 5-5 हजार रुपए का टैप ही करवा रहे थे हर फ्यूल पे। तो थोड़ा मतलब कॉस्ट भी देखना पड़ता है, राइट। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं आ रहा, बट यू नो आपको फ्यूचर के लिए भी बहुत सारी चीजें बचा के चलनी है। आप सुपर बाइक भी ज्यादा ही तेल पीती है, सुपर बाइक फिर भी कंपेरेटिवली कम पीती है। थार चलती है 5000 में 200, भूसा चलती है 2000 में 200। तो भूसा मेरे को फिर भी कमी पड़ती है। प्लस ये रहता है कि भूसा में हम हाईवेज में लाइक 200-200 पे चल लेते हैं, स्पीड रहते हैं। थार जाती 130-140 यार, तो टाइम का भी बहुत गैप आता है, राइट। और फिर आपको चिड़ होती है कि यार ये क्यों नहीं चल रहे हैं साथ में, तो यार वो बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अभी आगे के क्या प्लान्स हैं और फ्यूचर में अब क्या देखने को मिलेगा? अभी सिक्किम ट्रिप है और दुबई ट्रिप का तो आई एम श्योर ऑडियंस को ही पता है। कुछ एक्सक्लूसिव दो हमें कि उसके आगे का साल प्लान्ड है अभी पूरा। यार अभी मतलब हम लोग एक वेब सीरीज के लिए भी काम कर रहे हैं। वेब सीरीज एज इन ट्रैवल सीरीज होगी वो, या फिर तू एक्ट करने वाला है? मतलब ज़्यादा नहीं बता सकते, अंडर कॉन्ट्रैक्ट, राइट। बट अभी वेब सीरीज का एक है, तो फॉरेन ओटीटी, ओके, तो अभी वो चल रहा है। ये पॉडकास्ट का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना हो जाए। नहीं, कुछ लीक ही नहीं हुआ कौन सी ओटीटी क्या है। बस ये है कि बाबू भैया एक्टिंग करने वाले हैं, मुझे लग रहा है। वो तो नहीं है उल्लू। नहीं भाई कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं। चलो अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन। अच्छा, उसके अलावा तेरे चैनल के लिए क्या प्लान है, तेरी पर्सनल प्रोजेक्ट्स? अभी मतलब हम लोग एक प्रोडक्शन हाउस खोल रहे हैं। अभी मेरा भाई सर यहाँ पर कलम है, तो अभी मैं म्यूजिक के लिए बहुत मतलब यू नो आई एम ऑन टू दिस। तो अभी म्यूजिक वीडियोस के लिए हम लोग प्रोडक्शन करें, हम लोग एक सेपरेट चैनल खोले जहाँ पर हम लोग प्रोडक्शन, पूरा प्रोडक्शन खड़ा करें, म्यूजिक वीडियोस एंड यू नो शॉर्ट फिल्म्स करके। तो वो मेरा एक बहुत ड्रीम है कि मेरे को ना ये म्यूजिक वीडियोस में बहुत काम करना है। ओके, तो तेरे को उसमें एज अ मतलब एक्टर काम करना है या एज अ पीछे ऐसा पीछे लाइक यू नो शूट करनी है, म्यूजिक करनी है और एक फाइनल प्रोडक्ट देना है। मैं लाइक जब मैं YouTube से आया था उससे पहले आई यूज्ड टू एडिट एड्स फॉर, हम लोग फिल्म मेकिंग करते थे, तो आई यूज्ड टू वर्क इन अ टीम। तो मेरे को ना एडिटिंग में जितना मजा आता है ना उससे ज्यादा मतलब मेरे को वो सुकून है जब मैं फाइनल प्रोडक्ट दिखा सकता हूँ। सी व्लॉगिंग में ना आप डेली व्लॉगिंग में यू हैव टू कीप इट रॉ, राइट। आप कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा कुछ कर ही नहीं सकते ना आप एडिट। मैं तो फिर भी म्यूजिक एडिट करता हूँ भाई, मैंने लोगों के व्लॉग्स देखे भाई रॉ कट जा रहे हैं भाई, रॉ कट। तो फाइनल वो उसमें इतना मजा नहीं आता जब आप एक मिनट की एक सिनेमैटिक फिल्म बना दो ना भाई, वो दिखाने में अच्छा, उसमें व्यूज 1000 आए बट सुकून मिलता है यार उसे दिखाने में। तो मेरा ना मेन स्ट्रीम वही है कि फ्यूचर में एज अ फिल्म मेकर ही बनना है, हाँ, कलाकारी दिखानी है। अच्छा भाई, मेरा एक क्वेश्चन था कि किसी न्यू कमर को अगर मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी हो तो कैसे स्टार्ट करे, और स्पेशली बाइक की साउंड पे, अगर वो सुपर बाइक पे कर रहा है तो आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो उसमें आवाज़ आपकी मैंने देखा है कि काफ़ी क्लियर रहती है, तो वो सब कैसे सही मतलब कुछ टिप्स दे दो। हाँ यार, व्हाट आई वुड से कि अभी जो कोई मोटो ब्लॉगिंग शुरू कर रहा है ना, मोटो ब्लॉगिंग ना बहुत मैच्योर एज पे पहुंच चुके, राइट। अभी नई मोटो ब्लॉगर्स का उठना बहुत बहुत मुश्किल है, तो व्हाट आई वुड से कि दे शुड गो विद द फैमिली कंटेंट प्लस मोटो ब्लॉगिंग कंटेंट, राइट। बाइक दिखाओ बट फैमिली ज़्यादा दिखाओ, राइट। अब लोगों ने क्या कर दिया, बस बाइक 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 बाइक, रोड रेज रोड रेज रोड रेज। देखो वो मैं भी दिखाता हूँ, लाइक मैं पुलिस वाला कंटेंट मेरा भी रहता है कि भाई पुलिस ने पकड़ लिया, बट इट शुड हैव अ स्टोरी लाइन, राइट। केवल पुलिस दिखाओगे ना तो वो ऑडियंस एक वीडियो में आएगी और उसके बाद वो छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि वो बस भाई वो रोड रेज ही देखना है, एक्सीडेंट हो गया ये देखना है। लाइक आई स्टिल शो देम अप, बट मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ये रहता है कि भाई घर से मम्मी से मिल के गए, घर से मम्मी से मिलने जा रहे हैं, या फिर शाम को किसी फ्रेंड के घर जा रहे हैं। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर अ स्टोरी लाइन इंस्टेड ऑफ जस्ट अ स्पेसिफिक कि भाई आज तो क्रैश ही हो गया, तो पूरी वीडियो, पूरी 17 मिनट की वीडियो उसी पे डाल दी, लोग नहीं देखते, राइट। माइक का एक 200 रुपये का माइक आता है, राइट। एक मोनो माइक्स मिलते हैं, वो बहुत अच्छी क्वालिटी के माइक्स होते हैं। लोग मेरे को पूछते हैं बाबू भैया कौन सा माइक यूज़ करते हो, मैंने कहा यार 200 रुपये की माइक आता है वो यूज़ करो, बस वेन एवर यू यूजिंग इट यू नो मेक श्योर कि आप उस पर कॉटन लगा के करो, तो आपका विंड ब्लास्ट रुक जाएगा और आवाज़ एकदम A1 आएगी। मतलब यू नो अब लाइक अब पूरा मेन स्ट्रीम भी यूज़ कर सकते हो उस ऑडियो को, कोई फर्क ही नहीं पड़ता चाहे आपकी बाइक कितनी लाउड हो। और मेजॉरिटी ऑफ लोग सुबह बाइक से व्लॉग नहीं करते, नॉर्मल बाइक पे अगर आप यूज़ करोगे, मैं KTM पे जब यूज़ करता हूँ अपनी उस पर, तो मतलब क्रिस्टल क्लियर बस मेरी आवाज़ ही चल रही होती है, टेम्पो की आवाज़ भी नहीं आ रही होती जो बगल में चल रहा होता है। दैट्स आई वुड से। तो बढ़िया है, चलो भाई हम लोग को मज़ा आया। बाबू भैया को निकलना है वरना ये पॉडकास्ट चलता ही रहता, और अगर आप लोग को भी मजा आया तो कमेंट कर दो और बाबू भैया का चैनल चेकआउट कर लो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाबू भैया का चैनल UK07 राइडर के नाम से है, कभी हाँ YouTube पे बाबू भैया भी लिखोगे तो आ ही जाएगा, आप ही का आएगा सबसे पहला। तो UK07 राइडर को चेकआउट करो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड इस पॉडकास्ट का फेवरेट पार्ट कमेंट कर दो नीचे। और गाइस जो मेरी जनता आ रही है आपको पता है, गुलाबी दिल इन कमेंट सेक्शन गाइस, गुलाबी दिल गुलाबी दिल। चलो गाइस मिलते हैं। और मैं कह रहा हूं, मैं जाने से पहले कहना चाहता हूं कि हम सेकंड पॉडकास्ट करने वाले हैं भाई, डन। उस दिन फ्री होकर के आएंगे हम लोग, फ्री होकर आइयो। और हां उस दिन हम लोग स्टोरीज चाहिए मेरे को तेरी ना, अभी तो हमने ट्रैवल के बारे में बात ही नहीं करी यार, बहुत कुछ है बात करने के, थोड़ा प्यार के बारे में भी करेंगे। प्यार व्यार सब चूल्हे में बसम हो गया भाई। चलो जी, मिलते हैं, ओके, टिल देन सी यू, बाय बाय, लव यू प्यारी जनता।